पापा का बर्थडे है, यानी कि हमारे हस्बैंड का। तो फ्रेंड्स, डैडी के साथ ही आज हम लोग केक कट करेंगे घर पे, क्योंकि डैडी के साथ आज इनका फर्स्ट बर्थडे है। तो आइए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। और जानते हो आज पापा का बर्थडे है? सच में मम्मा, आज पापा का बर्थडे है? हाँ डैडी। पापा मम्मी कब आएंगे? बस आने वाले हैं। पापा, आज आपका बर्थडे है, आज आपको गिफ्ट में क्या चाहिए बताएंगे आप हमको? तुम क्या गिफ्ट दोगे? आपको मैं अपनी गुड़ी दूंगा, वो आप खा के देखना, बहुत मजा आएगा आपको। पर मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है, आपको पता है? तो क्या सरप्राइज है तुम्हारा? फ्रेंड्स, अभी आप देखते रहिएगा कि मैंने पापा के लिए क्या सरप्राइज रखा है। हमने और डैडी ने मिलकर अपने हस्बैंड को सरप्राइज किया है। डैडी ने मुझे आइडिया दिया कि पापा के लिए मम्मी चलो केक मंगाया जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ये सरप्राइज, देखते हैं कि पापा को कैसा लगता है। क्यों डैडी? मम्मी, आपने ठीक से केक ऑर्डर तो किया था ना? हाँ डैडी, मैंने बहुत अच्छे से केक ऑर्डर किया, तो आपको अच्छा सा आएगा केक, पापा को बहुत अच्छा लगेगा। पापा को तो नहीं पता है ना केक सरप्राइज किया है। धीरे बोलो, पापा है वो सुन लेंगे। हाँ, मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने इनके लिए आज देखिए क्या बनाया है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई है दाल मखनी, ये बनाया है यमी यमी सी रबड़ी वाली खीर। आप मुझे खीर टेस्ट कराओगे? टैडी, आपको खीर नहीं टेस्ट करा सकते। फ्रेंड्स, यहाँ दक्ष खीर खा रहा है और टैडी मुझे थोड़ी सी दे दो ना प्लीज, मुझे बहुत मन कर रहा है खीर खाने का। अब आज तक मैंने खीर टेस्ट नहीं किया है भैया, दे दीजिए। नहीं टैडी। ओके भैया, फिर भी मैं आपको देखता रहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। पापा का केक खाने वाला है। जल्दी से केक खोलो, पापा को सरप्राइज देना है। हाँ डैडी, कर रही हूँ, बस उनको बस जल्दी से इसको अनबॉक्स करके फिर देखते हैं। सरप्राइज। सेलिब्रेट किया। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, टैडी का सरप्राइज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।